हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू बर्थडे वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और एडिटिंग का चैनल बनाया है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पर क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। एंड इसके बाद इन सब में हम लोग स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट पोजीशन को ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग सारे में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है। एंड इसमें हम लोग जूम आउट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो सारे में हम लोग ऐड कर लेते हैं। एंड सारे पिक्चर की वाइग्नेट को हम लोग ऑन कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इफेक्ट्स में आ जानी है। एंड इसमें हम लोग ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड सेटिंग्स में आके इसको हम लोग 4 रख लेंगे एंड इसको फुल वीडियो तक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, तो इसको स्क्रीन कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो अभी वीडियो को एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। एंड इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं एंड इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एंड इस फ्रेम वाले लेयर को हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था। एंड इसमें हम लोग इस वाले फॉन्ट स्टाइल को रख लेते हैं एंड इसकी शैडो को हम लोग ऑफ कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। एंड इसको भी फुल वीडियो तक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ यार, आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स बेटा।